Cinque che. Hello and assalamu alaikum beautiful people. After a long time, video bana raha hu and vlog video shoot hogi. Short video hogi, zyada lambi nahi hogi, inshaallah. Abhi kahin ja raha hu, jaisa ki maine mere Instagram channel par kaha animals related vlog rahenge. Finally, Deonar Bakra Mandi. And Alhamdulillah, 2 saal baad khul rahi hai mandi, hai na? Yeah. 29 tarikh se. And preparations jo hai full swing mein. Allah har vyapari ko is karobar mein kamyab kare aur logon ko qurbani ke bakre bhi अच्छे भाव में मिल जाए, बस हर इंसान जो है कुर्बानी कर सके. तो अभी फिलहाल तो हम लोग जाएंगे अंदर. अभी फाइनली देवनार आ गए. इतनी खुशी मुझे आज तक. एंड अल्हम्दुलिल्लाह जाएगा अंदर, देखेंगे क्या है क्या नहीं. यहाँ पे शेड वगैरह तो बंद रहे हैं, अभी मैं बाहर ही साइड एंड अभी अंदर जाके देखते हैं कैसा क्या होता है. सब एक परमानेंट मस्त एकदम शेड वगैरह बंद रहे, माशाल्लाह एक नंबर प्रॉपर बंदोबस्त के साथ. बारिश आए तो भी बकरों को इतना नुकसान नहीं होगा. फुल सिक्योरिटी, पब्लिक अच्छे से खरीदी सुकून से कर सकती है. एंड यहाँ ऊपर भी शेड दोनों साइड बंद रहे ऑलमोस्ट. तो कुर्बानी के तो बहुत बकरे कुर्बानी लायक आए हुए हैं अभी से. एंड ये सब शेड कंस्ट्रक्शन भी चालू है यहाँ पर. मेरे पीछे भी शेड कंस्ट्रक्शन चालू है, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम हो रहा है इस बार देवनार में. ये सब शेड में जो है काफ़ी अच्छे बकरे आए हुए हैं इस वीकेंड भी. तो आप लोग यहाँ आ सकते हो अभी से कुर्बानी के बकरे लेने के लिए. एक चीज़ है, दो पैसा कम में भी मिल जाए, बट आप लोग आइए यहाँ पर देवनार एक बार ज़रूर विज़िट करिए. काफ़ी सालों बाद भी खुल रहा है. आप देवनार आओगे तो वो फील, देवनार वाला फील जो है आपको कहीं नहीं मिलने वाला है. आप लोग आइए देवनार ज़रूर. वो जानवर तो लेकर भी जाइए, मैं तो बोलता हूँ. एटलीस्ट देवनार की जो वाइब है वो कहीं नहीं है. you know I got that vibe. Vibe. एंड मे बी अगर जैक बैठता है तो हम लोगों को सस्ता भी मिल जाता है जानवर. तो अभी हम लोग जाते हैं एक जगह पर एंड मुनासिब लगा मुझे तो मैं वीडियो बनाऊंगा. बिकॉज मैं ये प्रीफर कर, मैं वीडियोस ज़्यादा एक्सपोज ना करूँ चीज़ों को. मतलब जितना मैं आपको मतलब दे पाऊँगा कि हाँ इस वाड़े में जाइए, यहाँ पर है जानवर, एंड वाड़ा भी शो कर दूँगा. तो आइए चलते हैं आगे. सो अभी हम लोग S6 वाड़ा में आए हुए हैं. यहाँ पर है कुछ बकरे, खस्सी बकरे भी है एंड अंडूल भी है. मक्की छीना एक सिंग वाला घूम रहा है. जो पसंद भी आया है अभी रेट की बात तो मेरा दोस्त कर रहा है. एंड इंशाल्लाह देखते हैं अगर यहाँ से कुछ जमता है तो विल डेफिनेटली लेट यू गाइज नो ऑल्सो अबाउट द रेट. वॉच दिस मक्की छीना, माशाल्लाह. ये जो है इसका अराउंड 35,000 है. भागो! 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 एंड और भी छोटे बकरे हैं. रेट
मतलब काफ़ी हाई चल रहे हैं अभी एट प्रेजेंट इस वाड़े में। तो S6 वाड़ा, मैंने आप लोगों को बोर्ड बताया हूँ, S6 वाड़ा 35,000, 38,000, लेट्स गो। अभी यहाँ पर तो समझा नहीं, हम लोग आगे चलते हैं। S3 वाड़ा 6 दांत और 8 दांत S3 वाड़े में बकरे 50,000 की जोड़ी है। खोल दो, खुला छोड़ दो, खुला छोड़े। गाइस अभी यहाँ पर मैं S7 या S8 वाड़ा है, S6 वाड़ा है, यहाँ पर उसके सामने एग्जॉटिक गोट्स जैसा लाइन लगी हुई है यहाँ पर। लेट मी शो यू गाइस, माशाल्लाह। सब माशाल्लाह नहला दुला के रखे हुए बकरे यहाँ पर, माशाल्लाह। बहुत अच्छा बंदोबस्त हुआ है यहाँ पर, ऊपर भी यहाँ पर अभी छपरे लग जाएंगे लगे हुए इस पर। बहुत सुकून वाला मामला होने वाला है खरीदी के टाइम पर इंशाल्लाह। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या है। सो यस गाइज, अभी हम लोग बकरों के शेड के पीछे हैं, ये बड़ों का शेड है वहाँ पर। एंड मेरे साथ जो है एक ब्लॉगर भाई मिल गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो अपने चैनल का नाम बता दो भाई। हमारे चैनल का नाम है RB पेट्स फार्म, RB मतलब रजा ब्रदर्स, RB पेट्स फार्म। ओके, तो आप लोग जाओ फॉलो करो। मे बी ये जो है मेरा लास्ट वीडियो होगा इस सीजन के लिए, तो आप लोगों को भाई हमारे बहुत अच्छे वीडियोस बनाते हैं, ऐसा मत करो। पब्लिक मतलब पब्लिक डिमांड करती है कि भाई वीडियो बनाओ। इंशाल्लाह वीडियो बनेंगे, मगर उस एहतराम से नहीं बनेंगे अब से। मगर जो डेली अपडेट जो है वो इंशाल्लाह आपका चैनल है उसके थ्रू मिल जाएगी इंशाल्लाह। दोस्तों सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसा है कि मैं हर चीज़ बताता हूँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ बकरा बताऊँगा, आपको पूरी अपडेट दूंगा कि मतलब शेड वगैरह किधर है, एंट्री एग्जिट कैसे है इसके। तो उसके लिए दोस्तों आपको पूरी वीडियो देखना पड़ेगा। दोस्तों फिर से एक बार मेरे चैनल का नाम बोलता हूँ मैं, RB पेट्स फार्म, R फॉर रजा, B फॉर ब्रदर्स, RB पेट्स फार्म मेरे चैनल का नाम है। तो दोस्तों उसको सब्सक्राइब करो, दुआ में याद रखो हम दोनों भाइयों को। गाइस प्लीज सब्सक्राइब इस चैनल, अच्छी मेहनत कर रहा है भाई हमारा। सुबह में मैं आप लोगों को बता रहा था कि पतरे लग रहे हैं, एंड अभी जो
पतरे लग चुके हैं बाहर साइड भी, ये देखिए ऊपर विद प्रॉपर लाइट्स, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बंदोबस्त हो रहा है। एंड इस बार जो है बहुत एंजॉय होने वाला है देवनार से बकरों की खरीदी करने में, तो चलिए आगे चलते हैं। भाई शाम के बज गए हैं 5 और मैं हूँ कच्चे ग्राउंड में, और बंदोबस्त देखिए आप लोग, पूरा शेड आने वाला है। ये देखो यहाँ पर जो कच्चा ग्राउंड था पूरे शेड ऑलमोस्ट बन गए हैं। एंड अब ये देखकर मुझे लगता तो नहीं है कि सिर्फ 1.25 लाख 1.5 लाख बकरे जो बोल रहे थे इतने अकोमोडेशन होगा उतने ही हो गए। अब मेरे साथ और एक है साथ में, काफ़ी जाने माने बंदे हैं, तो हम उनसे भी जाकर अभी बात करते हैं। तो चलो कुछ नहीं भाई, बस देवनार घूमने आए। एक साल के बाद आज का मेरा ये पहला ब्लॉग है जिसमें तुम आ गए। क्या जगह, बस जगह देखने आए, कैसे चालू है, क्या चालू है, कैसे काम हो रहा है। नहीं झूठ बोल रहा है। नहीं नहीं इंशाल्लाह असगर भाई उतारने वाले हैं बकरी, बस यही स्पॉट रहेगा इंशाल्लाह, या फिर दूसरा स्पॉट रहेगा तो जो भी रहेगा मालूम पड़ेगा। अगर दूसरा ब्लॉग बनाया तो अपडेट कर दूंगा इंशाल्लाह, है ना। कितने बकरे अकोमोडेट हो गए ये साल देवनार में? भाई देवनार में बताने के लिए कुछ और है और आने के लिए कुछ और, मेरे हिसाब से भाई देवनार में ये साल बकरे आने के चांसेस है 3 से 3.5 लाख के आसपास, ये अजम्पशन है हमारा। नहीं लाख से बना तो वो तो सिर्फ दिखाने के लिए जो स्क्रीन पे आएगा वो आएगा, बाकी जो दिखता है हमको लगता है और जो नहीं दिखता हमको लगता है नहीं है। इतने मेहरबान तो नहीं हो गए कि इतनी बड़ी जगह पे सिर्फ लाख बकरे? नहीं नहीं अपना जो रिजर्वेशन है वो 3 से 3.5 लाख के आसपास है, बाकी उतने बकरे आएंगे सामने ही। चल असगर भाई अगर मैं आगे और ब्लॉग बनाया तो तुम्हारे बकरों की अपडेट इंशाल्लाह यहाँ पर ज़रूर देंगे, और इंशाल्लाह फिर मुलाकात करेंगे असगर भाई से। और मैं ये ब्लॉग अभी यहीं एंड कर रहा हूँ, ये हमारे आज के खास मेहमान थे। चलो दुआ की दरख्वास्त, दुआ की दरख्वास्त भाई।